वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दाल चावल। हमने चावलों को भिगो लिया है, उसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें हमने पानी गर्म कर लेंगे। पानी डाल के नमक डाल लेंगे और घी डाल के उसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब वो उबाला आ जाएगा उसमें, तो हम उसमें फिर चावल शामिल कर देंगे। नमक ऐड कर दिया हमने इसमें, ऑयल ऐड कर दिया इसमें, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा खड़ा गरम मसाला। पानी गर्म हो गया, उसमें उबाल आ गया, अब हम उसमें चावल ऐड कर देंगे और उसको पकने छोड़ देंगे। चावलों में पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको दम पे रख देंगे। हल्की आग पे अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। उतनी देर अब हम दाल पका लेंगे। जब तक दाल पकती है उतनी देर हम उसका तड़का तैयार कर लेंगे। हम चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे, उसमें हमने प्याज ले लिया है, चिकन ले लिया है, इसमें पानी ऐड कर देंगे, इसमें मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, लाल मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया हमने, हल्दी डाल देंगे इसमें, काली मिर्च डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये पक गया गोश्त अच्छी तरह से प्याज। अब हम इसको अच्छी तरह से गोश्त को रेशा रेशा कर लेंगे। और इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल भी हमारी अब रेडी हो गई है और चावल भी हमारे अब रेडी हो गया। अब हम इसको सर्व कर लेंगे।
ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।